झारखंड भाजपा की प्रभारी सह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां डिमना चौक पर जिला भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी शहर में ही रुकेंगे और भाजपा की बैठक में शामिल होकर आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। शहर आगमन पर उनका फूल माला से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर और 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और पार्टी राज्य के वर्तमान भ्रष्ट सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएगी। जमशेदपुर में पहली बार आया हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ। 2014 के चुनाव में 14 की 14 लोकसभा सीट जीतने के संकल्प के साथ आया हूं और उसके बाद झारखंड की विधानसभा में भी अधिक सीटें जीत के 50 से ऊपर सीटें जीतकर सरकार बनाने का सपना देख रहा है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.